राहुल गांधी पर सुधांशु त्रिवेदी का जोरदार प्रहार। तो साहब वो अमेरिका में भारत के बारे में अनाप शनाप बोलने के बाद सीधे हरियाणा की धरती पर पहुंचे, तो उस स्थान पर पहुंचे और उस प्रत्याशी के प्रचार में पहुंचे जिसने शायद वो बात कही थी जो राहुल गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व के मन की बात। सुधांशु बोले, अपना घर भरने वाले प्रत्याशी के समर्थन में राहुल का खुला प्रचार। अब हर विधायक को लग रहा है कि भाई अब तो हमको भी अपने रिश्तेदारों के लिए करना पड़ेगा, तो जो वो बोल रहे हैं असंध के प्रत्याशी शमशेर, तो वो जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल वही बात बोल रहे हैं जो कांग्रेस ने किया था। यानी बहुत साफ है कि अभी इस ख्वाबो ख्यालों की सत्ता दिखते ही भ्रष्टाचार की बातें आंखों में चमक बन के दिखने लगी। कांग्रेस की 7 गारंटियों को सुधांशु त्रिवेदी ने किया एक्सपोज। सच है कि कांग्रेस के पास 7 गारंटी हैं, पर वो गारंटी 7 कौन सी? पहली गारंटी, मेरिट के आधार पर नौकरी मिलना बंद होने की गारंटी, जिसका आप वीडियो देख चुके हैं। अब पर्ची से नौकरी मिलेगी इसकी गारंटी, योग्यता पर नौकरी नहीं मिलेगी। सुधांशु त्रिवेदी ने किया राहुल गांधी के फर्जी ओबीसी प्रेम का खुलासा। राहुल गांधी जी को शॉक क्यों नहीं लगा? आज तक हरियाणा के जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं आप सबको पता होगा, बताइए इसमें से एससी ओबीसी कौन है, कितने ओबीसी बनाए? हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन बाकी हैं और अब जाकर राहुल गांधी ने चुनाव अभियान का आगाज किया है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने असंध में कांग्रेस के प्रत्याशी शमशेर गोगी के समर्थन में ये जनसभा की, इसको लेकर अब बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर चुन चुन कर हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि आपने हरियाणा का अपमान और अपनी पार्टी के अरमान को उजागर कर दिया है। राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर अनाप शनाप बोलने के बाद सीधे उस प्रत्याशी के प्रचार में वो पहुंचे जिसने दरअसल राहुल गांधी के मन की बात कही थी। ये बड़ा हमला सुधांशु त्रिवेदी ने बोला और कहा कि जिस प्रत्याशी ने ये कहा था कि जो वो सरकार में आएंगे तब वो सबसे पहले अपना और अपने परिवार का घर भरेंगे, उस प्रत्याशी के समर्थन में राहुल गांधी खुलेआम प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस ने अपने प्रथम परिवार के दामाद का घर भरा था, उसी प्रकार कांग्रेस के प्रत्याशियों को अब लग रहा है कि इस बार सरकार बनने पर उन्हें अपना घर भरने का मौका मिलेगा। उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस के प्रत्याशी शमशेर गोगी का जिक्र किया और कहा कि उसी भ्रष्टाचार की वो बात कर रहे हैं जो कांग्रेस ने पिछली सरकार में किया था। क्या कुछ सुधांशु त्रिवेदी ने कहा और किस तरीके से जोरदार हमला राहुल गांधी की इस चुनावी अभियान को लेकर सुधांशु त्रिवेदी ने बोला है, जरा सुनिए। हरियाणा का चुनाव अपने अंतिम सप्ताह में प्रवेश कर रहा है और उस समय राहुल गांधी जी अपनी पहली सभा करने के लिए अवतरित हुए हैं। कहा जाता है कि समान प्रकार के लोग समान प्रवृत्ति के लोगों को आकर्षित करते हैं। तो साहब वो अमेरिका में भारत के बारे में अनाप शनाप बोलने के बाद सीधे हरियाणा की धरती पर पहुंचे, तो उस स्थान पर पहुंचे और उस प्रत्याशी के प्रचार में पहुंचे जिसने शायद वो बात कही थी जो राहुल गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व के मन की बात थी। वो बात क्या थी कि पहले अपना घर भरेंगे, सबका पहले अपना घर भरेंगे उसके बाद देखेंगे। और ये मन की बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये हर कांग्रेसी कार्यकर्ता के दिल की बात है, क्योंकि पिछली जो सरकार थी तो उसमें तो सिर्फ सबसे जो उनका मुख्य परिवार है प्रथम परिवार के दामाद जी का घर भरा। अब हर विधायक को लग रहा है कि भाई अब तो हमको भी अपने रिश्तेदारों के लिए करना पड़ेगा, तो जो वो बोल रहे हैं असंध के प्रत्याशी शमशेर, तो वो जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल वही बात बोल रहे हैं जो कांग्रेस ने किया था। यानी बहुत साफ है
कि अभी ख्वाबों ख्यालों की सत्ता दिखते ही भ्रष्टाचार की बातें आंखों में चमक बन के दिखने लगी और अपना घर बनने भरने की बात होने लगी। दूसरी बात, मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार की एक कहानी राहुल गांधी जी ने बताई, तो ये एक सर्वविदित फैक्ट है कि भाई कोई स्क्रिप्ट राइटर उनकी स्पीच लिखते हैं। आज ऐसा प्रतीत होता है कि वो स्पीच राइटर की बजाय किसी फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर की राइटिंग उठा लाए थे, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार की बात कही ऐसा प्रतीत होता है कि वो हरियाणा का अपमान करने के लिए पूरी तरीके से मन बनाए हुए हैं। पहले आप अमेरिका में कहानी बताते हैं हरियाणा के नौजवानों की, फिर आप हरियाणा में उस जगह से आके प्रचार शुरू करते हैं जहां पर कि आपकी पार्टी का सबसे शर्मनाक चेहरा बाहर उभर कर सामने आया जो घर भरने की बात कहता है। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी, ये समझ में नहीं आता है कि ये जो आपने बातें कही उस स्क्रिप्ट में ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि आपने कहा वो लोग कजाकिस्तान और टर्की होते हुए गए, तो इसका मतलब वो इलीगल इमिग्रेंट्स थे। तो जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उससे मोह आपका नहीं भंग होता, यहां हो या अमेरिका हो। और अगर आपको ये लग रहा है तो मात्र 7 महीने पहले तो राजस्थान में आपकी सरकार थी, हरियाणा के बगल में, क्यों नहीं चले गए लोग वहां? तो मैं बताना चाहता हूं ऐसा इसलिए है, ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने कहा था कि गरीबी एक माइंडसेट है, पॉवर्टी इज ए माइंडसेट। जब सत्ता में यही अंतर होता है उस नेता ने जिसने गरीबी सुनी हो, कहानियों में सुनी हो, और उस नेता ने जिसने गरीबी को जिया हो। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबी को जिया है, रेलवे स्टेशन पर चाय बेची है, उनकी स्वर्गीय माता जी ने बर्तन तक मांजे हैं, उन्होंने उतने बरस रेलवे स्टेशन पर गुजारे हैं जितने घंटे राहुल गांधी ने रेलवे स्टेशन पर नहीं गुजारे होंगे। तो सुनी हुई कहानियों के आधार के ऊपर गरीबी को समझना और खुद अपनी जिंदगी में जीकर गरीबी को समझने में जितना बड़ा अंतर होता है, उतना ही इस समस्या के समाधान के लिए भी यह अंतर होता है। तो मैं राहुल गांधी से सीधे पूछना चाहता हूं, क्या आप वहां इलीगल इमिग्रेंट से मिले थे? और अगर मिले थे तो आपकी इलीगल इमिग्रेंट के साथ मीटिंग किसने तय की? नंबर 2, आपने यह कहा कि जिन लोगों के पास 35-40 लाख रुपए थे उतने में तो वो सीधे वीजा लेके जा सकते थे और सीधे नौकरी के लिए आवेदन कर सकते थे किसी भी जगह, तो आपके पड़ोसी राज्य राजस्थान में क्यों नहीं गए? अगर आपका सत्य, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि फैक्ट क्या है कि आज जॉब के बारे में और ये भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार का इतना बड़ा आधार है कि मैं पुनः कहना चाहता हूं, ये राहुल गांधी ना जो कहते कि चाइना में बेरोजगारी नहीं है, वो तो स्पीच इनके स्पीच राइटर ने लिखी होगी। फैक्ट है, आप सब जाके चेक कर सकते हैं कि जनवरी 23 से जुलाई 23 तक चाइना में बेरोजगारी बढ़ के 24% हुई। अगस्त 23 से जनवरी 2024 चाइना ने अपने बेरोजगारी के डाटा देना बंद कर दिया और जनवरी 24 से फिर जो शुरू किया जुलाई 24 में 17% है, जबकि उन्होंने अपना आधार बदल दिया। यानी भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार से लेकर हरियाणा के अपमान तक हर प्रकार की बातें वह कर रहे हैं, इसलिए हमारा उन पर सीधे आरोप है कि भ्रामक तथ्यों के आधार पर आपने हरियाणा का अपमान और अपनी पार्टी के भ्रष्टाचार के अरमान दोनों एक साथ आकर अपनी पहली चुनावी सभा में दिखा दिए। इतना ही नहीं, सुधांशु द्विवेदी ने कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में जो 7 गारंटी जनता को दी है उसको भी पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। सुधांशु द्विवेदी ने कांग्रेस की असली 7 गारंटियां क्या हैं? इसको लेकर उन्होंने एक एक गारंटी की पोल खोली। उन्होंने कहा कि पहली गारंटी है मेरिट के आधार पर नौकरी ना मिलने की गारंटी, दूसरी गारंटी है सभी कांग्रेसी नेताओं को अपना अपना घर भरने की गारंटी, तीसरी गारंटी है मिर्चपुर और गोहाना जैसी भयावह घटनाएं दोबारा होने की गारंटी,
चौथी है नू के कांग्रेस विधायक मामन खान की बदला लेकर सांप्रदायिक सौहार्द खत्म करने की गारंटी। पांचवी है पंजाब की तरह कानून व्यवस्था हरियाणा में भी बिगाड़ने की गारंटी। छठी है हिमाचल की तरह खजाना खाली करने की गारंटी। और सातवीं है कर्नाटक की तरह किसानों के बुरे दिन आने की गारंटी। यानी यहाँ पर सुधांशु त्रिवेदी ने ये तमाम गारंटियां कांग्रेस की क्या है इसकी हकीकत हरियाणा की जनता के सामने रखी। कांग्रेस आजकल कहती है कि मेरे पास 7 गारंटी है, तो मैं भी आपको बताना चाहता हूं यह सच है कि कांग्रेस के पास 7 गारंटी है, पर वो गारंटी 7 कौन सी? पहली गारंटी, मेरिट के आधार पर नौकरी मिलना बंद होने की गारंटी, जिसका आप वीडियो देख चुके हैं। अब पर्ची से नौकरी मिलेगी इसकी गारंटी, योग्यता पर नौकरी नहीं मिलेगी। 10 साल से हमारी यहां की सरकार ने खट्टर जी और सैनी जी के नेतृत्व में पारदर्शी प्रक्रिया से मेरिट के आधार पे बगैर शोर सिफारिश के जो नौकरी मिलती थी उसके खत्म होने की गारंटी। दूसरा, सभी कांग्रेसी नेताओं का अपना अपना घर भरने की गारंटी। अब सिर्फ प्रथम परिवार का ही दामाद का घर नहीं भरेगा, विधायक के प्रत्याशी बोल रहे हैं कि सबका घर भरने की गारंटी। तीसरी गारंटी, मिर्चीपुर गोहाना जैसे कांड, दुखद दर्दनाक और दुर्दांत कांड जो कांग्रेस के शासनकाल में हुए उनकी दोबारा होने की गारंटी। तीसरी, उनके विधायक के प्रत्याशी ममन खान ने कहा है कि नूह का बदला लेंगे, अर्थात सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने और तथा कथित बदले की गारंटी। पांचवी, कानून व्यवस्था ध्वस्त होने की गारंटी, जो आप बगल के राज्य पंजाब में देख चुके हैं। वहां जब से सरकार नई आई है तो जिस प्रकार की कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है वैसे ही कानून व्यवस्था ध्वस्त होने की गारंटी। छठी गारंटी, जो जो वादा किया है वो वादा नहीं पूरा करेंगे और कोशिश करेंगे। तो सिर्फ 2 राज्यों का उदाहरण दे रहा हूं, आप अपने बगल में देखिए, हिमाचल की तरह खजाना खाली होने की गारंटी। और एक राज्य कांग्रेस का सबसे दूर का देखिए, जहां उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां के हैं, कर्नाटक। कर्नाटक में 1200 किसानों ने आत्महत्या की और उसके बाद सरकार कांग्रेस की है असंवेदनशील तरीके से यह बयान दे रही है कि नहीं नहीं वो तो व्यक्तिगत कारणों से 1200 किसानों ने आत्महत्या की, अर्थात किसानों के बुरे दिन आने की गारंटी। तो मैं पुनः कह दे रहा हूं, ये 7 गारंटियां कांग्रेस की हैं, मेरिट पे नौकरी नहीं, पर्ची से नौकरी मिलने की गारंटी, हर कांग्रेसी नेता का अपना घर भरने की गारंटी, मिर्चीपुर गोहाना जैसे कांड दोबारा होने की गारंटी, नूह का बदला कहने वाले अर्थात कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने की गारंटी, खजाना खाली होने की गारंटी, किसानों के बुरे दिन आने की गारंटी, और एक सबसे बड़ी गारंटी जो कांग्रेस यहां सत्ता में आती होती क्या, सेना के का अपमान और आतंकियों के सम्मान की गारंटी। जो कश्मीर में अभी आपके पास के राज्य में दिखाई पड़ रहा है वो देख लीजिए, एक सबसे बड़ी गारंटी सेना के अपमान और आतंकियों के सम्मान की गारंटी। इसलिए मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस जो बातें कर रही है उसका वास्तविकता ये होने वाली है कि नौजवान नौकरी के लिए परेशान होने वाला। सिर्फ इतना ही नहीं, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के जातिवाद की पोल भी खोल कर रख दी। जिस तरीके से राहुल गांधी बार बार जाति का जिक्र करते हैं, वो पिछड़ों की बात करते हैं, वो दलितों की बात करते हैं, लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी से ये सवाल कर लिया कि हम मुख्यमंत्री के दावेदार का नाम नहीं पूछ रहे हैं, आप मुख्यमंत्री के दावेदार की जाति ही बता दी कि आखिर उसकी जाति क्या होगी। यह सवाल सुधांशु त्रिवेदी ने किया और कहा कि हर बार आप जाति पूछते हैं तो राहुल गांधी बताएं कि कांग्रेस ने हरियाणा को कितने ओबीसी मुख्यमंत्री दिए हैं। यह सवाल भी सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर दागा है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आजकल आदतन और फितरतन हर जगह के ऊपर जात पात की बात करना चाहते, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपको उनका संसद में बयान ध्यान होगा जिसमें उन्होंने कहा ना 2014 में उन्होंने देखा कि ही वॉज शॉक्ड
कि जो सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं उनमें कितने ओबीसी हैं। अब उन्हें यह पता नहीं है कि सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बनता है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम क्वालिफाई करके बनता है और उसके बाद एक निश्चित प्रक्रिया से प्रमोशन पाते हुए तकरीबन 30 साल की नौकरी के बाद बनता है। ये कांग्रेस का अध्यक्ष का पद नहीं है कि पैदा होते ही सीधे अध्यक्ष पद पर पहुंच गए। पर आज मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी को शॉक क्यों नहीं लगा? आज तक हरियाणा के जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं आप सबको पता होगा, बताइए इसमें से एससी ओबीसी कौन है, कितने ओबीसी बनाए? आप अफसरों में पूछते हैं, पत्रकारों में पूछते हैं, जजों में पूछते हैं, आपने सबसे लंबे समय तक इस हरियाणा पर हुकूमत की है, कितने ओबीसी मुख्यमंत्री बताएं, कृपया बता के जाएं। और दूसरा, हर चीज में तो आप जात पूछते हैं। वैसे हमें समझ में आ रहा है कि सत्ता तो आपकी नहीं आने वाली, जो ख्वाबों ख्यालों में आपको हरियाणा में अपनी सरकार दिख रही है जिसके बहुत सारे दावेदार हैं और आपस में जम के मारा मार है, कृपया ये बताएंगे कि आपके मुख्यमंत्री ख्यालों वाले मुख्यमंत्री किस जात का होगा? मैं सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, हर बात में जात का सवाल पूछने वाले राहुल गांधी जी, कृपया ये बता दीजिए, हम मुख्यमंत्री के दावेदार का नाम नहीं पूछ रहे हैं, मुख्यमंत्री के दावेदार की जात बता दीजिए। और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि एक बार उनसे पूछिएगा और सवाल का कोई जवाब नहीं आए। तो कुल मिलाकर हरियाणा में ये चुनावी दंगल जो है वो लगातार दिलचस्प हो रहा है। राहुल गांधी ने बहुत ज्यादा देर लगा दी चुनाव अभियान का आगाज करते करते, लेकिन वहीं बीजेपी पूरा दम दिखा रही है इस वक्त हरियाणा के इस चुनावी दंगल में, और लगातार जीत का दावा भी बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी चुन चुन कर मुद्दों को उठा रही है, वो बात कर रही है कि आप ओबीसी की बात करते हैं लेकिन आप वहीं शैलजा कुमारी का अपमान करते हैं जो कि एक दलित लीडर है जो अपने लिए एक पद मांग रही थी। ये तमाम बातें कहते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने इस तरीके से राहुल गांधी के इस पहले चुनावी अभियान को पूरी तरीके से एक्सपोज किया है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।